चलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का ग्रेट आप एग्जाम नहीं देना होगा किसी तरह का कोई फीस नहीं है और डायरेक्ट या सीधी भर्ती है तो आप इस भर्ती का जरूर फायदा उठाए जितने भी हमारे ओ आर जेसीपाही हैं और मैं बता दू आप विभिन्न भी विभाग से भी रिटायर्ड है जैसे कि नेवी आर्मी एयरफोर्स आप इसके लिए एलिजिबल है सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर एक्सोरिसमैन से आप हो या पेंशनर हो या भूतपूर्व सैनिक हो या रिटायरमेंट हो रिटायरमेंट हो चुके हो तो दोस्तों आप सभी को बता दूं यहाँ सबसे पहले भर्ती बताई जाती है तो आज ही नीचे रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलते रहे यहाँ पे रेलवे एमईएस सी एच डी ईसीएचएस स्टेट पुलिस, बोर्ड, बोर्ड, सिक्योरिटी आरबीआई की पूरी भर्ती सरल और सटीक शब्दों में सबसे पहले बताई जाती है तो आज ही नीचे रेड कलर का ऐसा सब्सक्राइब बटन होगा उसको प्रेस कीजिएगा और साइड में घंटी दबाना ना बोले घंटी नहीं दबाए ना तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी घंटी जरूर दबाइएगा तो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज जो वो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए है सिक्योरिटी ऑफिसर एक बहुत अच्छा है आपको सर्विलेंस करना है बस देखना है सिक्योरिटी हर जगह अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है आपको सफलतापूर्वक संचालन करवाना है जहां भी आपको सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया जाएगा दोस्तों ये भर्ती से निकल के आई तो है तो डीजीआर डीजीआर का फ्लू क्या है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है डीजीआर डायरेक्टोरेट जनरल रीसेटलमेंट ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं कौन सी वैकेंसी है कब लास्ट डेट होगी कौन से एज के भर सकते हैं क्या ऑल ओवर इंडिया जी हाँ दोस्तों ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी देश के किसी भी कोने में रहते हो चाहे ईस्ट चाहे वेस्ट नॉर्थ साउथ चाहे जम्मू में हो चाहे तमिलनाडु में चाहे चाहे आंध्रा में चाहे गुजरात में चाहे अरुणाचल प्रदेश में आप किसी भी देश के कोने में रहते हो आप इसके लिए भर सकते हो फॉर्म बहुत ही बंपर भर्ती शानदार भर्ती आई है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले दोस्तों मैं बता दूं कि आप अगर आप एक्स सर्विस मैन हो चाहते हो कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिले तो आप सबसे पहले हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी जानकारी बताई जाती है तो दोस्तों सिक्योरिटी ऑफिसर का ट्रेड है जो कि लग्जरी हॉस्पिटलिटी में किया जाएगा आपको इम्प्लॉयर के और आपका जो लेवल होगा पोस्ट का वो सिक्योरिटी ऑफिसर का होगा जब पेमेंट की बात करें तो पेमेंट बहुत अच्छी पेमेंट है पैंतीस से लेके बहत्तर सॉरी फोर्टी टू थाउजेंड पैंतीस हजार से लेके बयालीस हजार रुपए के बीच में आपका पेमेंट रहेगा और दोस्तों मैं बता दूं कि आपको दोस्तों ये जॉब जो लोकेशन है वो थ्री कैंपस एट राजस्थान में मिलेगा सिक्योरिटी सिस्टम कंट्रोल में जो दोस्तों आपको पड़ता है राजस्थान की सिक्योरिटी कंट्रोल में दोस्तों आप देख सकते हैं सिक्योरिटी सिस्टम कंट्रोल ऑफ टोटल कैंपस एट राजस्थान में जॉब लोकेशन मिलेगा कहीं भी से भी अप्लाई कर सकते हो तो जो राजस्थान वाले बार बार अप्लाई कर बार बार हमें कमेंट कर रहे थे राजस्थान से नागौर से तो आप भर सकते हो जयपुर नागौर जितने भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो तो भर ही सकते हैं अगर आप एलिजिबल हो या इच्छुक हो और अगर आप देश के किसी भी कोने में हो जाक्स के यहाँ पे जॉब कर सकते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो इसमें दोस्तों आपको एज रहेगा 47 से सक, 47 से से ले लेके लेके 52 52 तक अगर आप ईयर के बीच में आप बिलोंग करते हो तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा एक पोस्ट है टोटल इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर कंट्रोल का मैं बताया था इसमें और प्लेस ऑफ इनिशियल पोस्टिंग आपको दोस्तों राजधानी में मिलेगा जो अभी स्टार्टिंग उसके बाद दोस्तों बाद का पता नहीं कैसे अप्लाई करना है सबसे बड़ा इंपॉन्ट क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है आप वीडियो में बने रहे आपको अपने नजदीकी राज्य सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक बोर्ड में जाना है और जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड में जाके बताना है कि मुझे उनके थ्रू ही आप अप्लाई कर पाएंगे डीजेआर में जाके या तो आप डीजीआर के वेबसाइट पे भी जाके मैं बताऊंगा कि सेकंड कैसे करना है लेकिन अगर आप डीजर के डीजर में अपने जाते हैं अपने मतलब कि जहां भी आपका राज्य सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक बोर्ड है वहां पर जाके इनके थ्रू आप डीजर को अप्लाई करवाइएगा

क्वालिफिकेशन की बात तो इसमें ग्रेजुएशन पास वाले ही जा सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं और आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना अनिवार्य है यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फिजिकली फिट भी होना चाहिए ट्रेंड सिक्योरिटी सिस्टम एंड कंट्रोल तो आप सभी को मैंने पूरी जानकारी विस्तार और संपूर्ण जानकारी दी आशा है मुझे कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे अगर अपने दोस्तों सैनिक जितने भी आपके दोस्तों उनके साथ शेयर करेंगे इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ जय हिंद जय भारत वंदे मातरम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को आगे अपडेट मिलने के लिए